गो करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी नॉर्मल क्या होता है first C program किया हमने क्या क्या होते हैं देखे variables के होता है इन कैर फ्लोर फ्लोट और डबल की वर्ड्स कितने होते हैं क्या होता है आइडेंटिफायर्स uh, क्या, क्या होता है और आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है हर बार मैं बताती हूँ और इस बार भी बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स को जो करता है ऑपरेटर्स इन सी क्या होते हैं उसको मैंने उसको मैंने कोडिंग पे कोड करके दिखाया था कि एडिशन किया था सब किया था ये सब किया था हमने ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो आता है लॉजिकल रिलेशनल भी देखे थे अब आता है टोकन इन सी हमने हमने पढ़ा, 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 पढ़ा। पढ़ा, और operators आगे हम बढ़ते हैं strings, फिर हमने strings जिसमें हमने scanf ज, जो तरीका होता है input लेने का user से, वो देखा गेट्स देखा एफ गेट्स देखा एफ पुट फंक्शन देखा और प्रिंट फंक्शन देखा फिर हमने पढ़ा वाई लुक डू वाइल और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा फिर हमने फॉर लूप इफल्स नेस्टेड इफल्स और नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ और इफ एलस देखा फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे मल्टीप्लिकेशन टेबल इन सी gcd इन सी एंड फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन सी मैंने तीन क्वेश्चन दिए थे पहला क्वेश्चन था कि uh, gcd का हमने किया था और एलसीएम निकालने बोला था उसमें मैंने हिंट भी दिया था तो वेरी गुड अगर आपको वो आ गया है कमेंट सेक्शन में प्लीज uh, मुझे कोड सेंड कर दीजिएगा मैं चेक कर लूंगी और देख लूंगी आपने किस तरीके से किया क्योंकि हर एक इंसान की कोड करने की एक थिंकिंग होती है एक लॉजिक होता है वो अलग होता है ठीक है और जिसे नहीं आया है वो डाउट पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में फिर हमने तीसरा किया था फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने बोला था कि इफ एल्स का यूज करके मुझे ये क्वेश्चंस चाहिए क्वेश्चन चाहिए तो सेंड कर दीजिएगा कोड चेक कर लूंगी मैं और एक और क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने पैटर्न्स बोला था एक पैटर्न दिया था ऐसे शेप में आ, राइट एंगल शेप में तो वो भी आप कोड मुझे सबमिट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैं वो चेक कर लूंगी और अगर किसी को नहीं आया है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है वो मुझे आई मीन कमेंट सेक्शन में बता बोल सकता है तो मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूंगी या फिर मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगी विद रिटर्न एक्सप्लेनेशन तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस फंक्शन क्या होता है फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तभी रन करता है जब हम उसे कॉल करते हैं और हम फंक्शंस में डेटा पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स इस स्टेटमेंट का इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर आ, क्योंकि आ, कि जो फंक्शन है हमारा वो बहुत से टास्क कर एक्शन या टास्क परफॉर्म करने में काम आता है इसमें हम क्या करते हैं हम एक फंक्शन बनाते हैं उसमें जो हम कोड लिखते हैं वो हम एक ही बार लिखते हैं वो हम एक ही बार लिखते हैं लेकिन उसे हम पूरे कोड में हमारे पूरे प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं सो आर दी टाइप्स ऑफ़ चलो आओ वो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्री डिफाइंड फंक्शन कहा होता है तो प्री डिफाइंड फंक्शन आपको याद है जब मैंने ये कहा था मैंने कहा था प्रिंट फंक्शन एफ फंक्शन एफ गेट्स फंक्शन स्कैन फंक्शन अगर ये भी आपके लिए डिफिकल्ट है समझने के लिए तो ये देखिए मेन फंक्शन आप देख पा रहे हैं तो ये होता है प्री डिफाइंड जिसे हम हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं तो चलो आओ देखें कोड में करके तो आप मुझे अह आप ये वाला ये वाले फाइल में हमने ये लास्ट कोड किया था टर्नरी ऑपरेटर वाला और ये मैंने दिया था होमवर्क जिस किसी ने पुराना लेक्चर इससे पहला वाला लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो प्लीज देख लीजिएगा वो, वो लेक्चर्स देख लीजिएगा बहुत अच्छे लेक्चर्स है अच्छे से क्वेश्चंस हमने इतने सारे सॉल्व किए हैं मिलके सॉल्व किए हैं तो जरूर अटेंड करिएगा वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा तो ठीक है आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस तो मैं क्या करती हूँ मैं ना इसे भी कमेंट कर देती हूँ नीचे से ही देख लेंगे तो पहले हम हेडर फाइल डाल देंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रही हूँ कि हेड ऑफ फाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ठीक है फिर जो हम हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम इंट uh, यार इतने टाइपोस की आ रहे आज ठीक है तो इंट मेन लिखने की वो हमने लिख दिया है ठीक है इस यहाँ पे मैं एक बहुत नॉर्मल फंक्शन बना रही हूँ वो फंक्शन में क्या होगा कि वो सिर्फ प्रिंट करेगा वैल्यूज को इससे हमने कौन से लेक्चर में देखा था यस yes. जब हम लोकल ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये चीजें समझाई थी तो आप वेरिएबल्स इन सी का लेक्चर देख लीजिएगा आपको और क्लियरिटी आएगी अगर आपको तब नहीं समझ आया तो आज तो पक्का है कि समझ में आ ही जाएगा तो पहली बात हम देखेंगे कि फंक्शन को डिफाइन ही कैसे करते हैं तो फंक्शन को डिफाइन हम पहले रिटर्न टाइप मैं पहले इधर ऐसे ही लिख रही हूँ रिटर्न टाइप लिखते हैं फिर यहाँ पे फंक्शन नेम लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी बॉडी आती है या फिर हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके और ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइनिंग और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन नेम जो है हमारा उसे हम कॉल करते हैं गॉटेड तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में आपको ये प्री डिफाइंड फंक्शन समझा देती हूँ तो प्रीडिफाइंड पहले ये देख लीजिए असली में जो यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं यूजर कोई बात नहीं मैं वापस से कोड लिख लूंगी अलग कोड लिखेंगे हम ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो ठीक है डिफाइन फंक्शन ओके कोई बात नहीं ठीक है हमने कुछ नहीं किया है ठीक है सिर्फ हमने प्री डिफाइंड फंक्शन में यहाँ पर जब मैंने कहा आपको कि फ्री सॉरी प्री डिफाइंड फंक्शन कहा आपको तो मैंने कहा कि इंट मेन हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसे हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती तो इस फंक्शन को मैं देख रही हूँ जिसमें मैंने हेडर फाइल डाल दी है और फिर मैंने इंट मेन लिख दिया है और प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड कर दिया है क्या मैंने मेन फंक्शन को कहीं भी कॉल किया नहीं किया मैंने जब आपको फंक्शन का सिंटैक्स uh, बताया कि मेरा रिटर्न टाइप होगा तो यहाँ हो पे मेरा मेन है फिर कर्ली ब्रेसेस होंगे ये कर्ली ब्रेसेस हो गए कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन कह दो या फिर बॉडी कह दो ये होगा तो मेरा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है और फिर हमें उसे कॉल करना है राइट तो क्या हमने वो मेन फंक्शन को कहीं भी कॉल किया नहीं किया क्यों क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है तो आओ चलो रन करके देखें ये देखिए हेलो वर्ल्ड रन हो गया है तो ये होता है प्री डिफाइंड फंक्शन ठीक है अब आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन पे तो चलो रिटर्न uh, टाइप हम अभी के लिए वॉइड ले, ले लेते हैं और फंक्शन नेम हमारा फंक्शन नेम ही है और प्रिंट अब हेलो वर्ल्ड हम यहाँ प्रिंट करेंगे या फिर कुछ और कर लेते हैं uh, क्या करें ठीक है प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया पहले पहले स्टार्टिंग से देखते हैं रिटर्न टाइप वॉइड है फंक्शन नेम क्या है फंक्शन नेम ही फंक्शन नेम लिख दिया हमने और फिर कर्ली ब्रेसेस है हाँ है और फिर क्या हमने बॉडी में क्या लिखा है हमने बॉडी में प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है ओके okay, तो क्या हमने उसे कॉल किया है हाँ हमने इंट मेन में फंक्शन नेम को कॉल कर दिया है इसका मतलब अब ये चल जाएगा ये देखिए वेलकम टू आर डे सेवन ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स तो ये एक बहुत नॉर्मल था कि कैसे मैंने यहां पे वॉइड लिया है और मल्टीपल टाइम्स मुझे अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है चलो मैंने इसको कम कर दिया वेलकम लिख दिया है और मुझे मल्टीपल टाइम्स ये प्रिंट करना है ये क्या मतलब मैं समझा रही हूँ ये क्या समझा रही हूँ वो ये समझा रही हूँ कि मैंने एक बार कोड को डिफाइन कर दिया और फिर मैं उसे मल्टीपल टाइम्स मैनी टाइम्स मैं उसे यूज कर पा रही हूँ तो मैंने एक बार वेलकम लिख दिया और अब मैं उसे पांच बार प्रिंट कर पा रही हूं ये देखिए वेलकम 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 मैं यहां पे ये देखिए वेलकम 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 बहुत सिस्टमैटिकली आ गया है तो एक बार मैंने वेलकम लिखा और उसने पांच बार प्रिंट कर दिया यही फंक्शन लिखने की खासियत होती है ठीक है अब हम दूसरा पढ़ेंगे सी फंक्शन में पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर जो हमने ये लिखा है हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में फंक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है तो ध्यान से पढ़ना है कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन क्योंकि अगर आप ये क्योंकि कोड को बहुत ही आ, अच्छा करता है छोटा करता है और बहुत यूजफुल भी है ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इन टू अ फंक्शन ठीक है जैसे यहाँ पे पहले मैं सिंटैक्स बता दूंगी यहां पे जैसे रिटर्न टाइप होता है इसमें भी रिटर्न टाइप होता है लेकिन पैरामीटर्स में इधर पैरामीटर्स होते हैं पैरामीटर वन हो गया पैरामीटर टू हो गया ऐसे चलते जाता है पैरामीटर थ्री ऐसे होते जाता है ठीक है ये होता है पैरामीटर्स तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ जैसे कि मैंने यहां पे मैंने एक पैरामीटर डाला कैर नेम ठीक है और फिर परसेंटेज एस क्यों एस क्योंकि मैं स्ट्रिंग प्रिंट करूंगी यहाँ पे ने, नेम ऑफ़ कोर्स मेरा स्ट्रिंग होगा राइट कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे अगर होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस होता है ठीक है अब ये देखिए तो जो मैं आपको समझा रही थी कि यहां पे अगर आप कभी भूल गए ठीक है कि आप यहां पे भूल गए फंक्शन कॉल करते समय कि हमने तो आर्ग्यूमेंट नहीं डाला तो हमें एरर दिखाएगा कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन कॉल सिंगल आर्ग्यूमेंट नेम वॉज नॉट स्पेसिफाइड तो यहां पे आपको जैसे मैंने वेलकम टू हैक द वेब लिख दिया ठीक है ये देखिए वेलकम टू हैक द वेब प्रिंट हो गया है कैसे प्रिंट हुआ है आओ वो समझें। तो क्या हुआ है कि कंपाइलर क्या करता है कंपाइलर पहले फंक्शन को नहीं देखता मतलब पहले वो यूजर डिफाइंड फंक्शन को नहीं देखता वो सीधे सर्च करता है कि मेरा मेन फंक्शन कहाँ पे है वो देखता है कि अरे मेरा मेन फंक्शन तो यहाँ पे है तो चलो आओ इसे एग्जीक्यूट करते हैं फिर वो नेक्स्ट लाइन देखता है तो मेरी नेक्स्ट लाइन तो एक कोई फंक्शन को कॉल कर रही है जिसका आर्ग्यूमेंट है hack the web. चलो आओ देखें कि ये फंक्शन नेम पे है इस पूरे डॉक्यूमेंट में अरे फंक्शन नेम तो यहाँ पे है ओ इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है अरे पहले ये भी चेक करना ये भी तो चेक ये भी तो हो सकता है कि मैंने दो फंक्शन के सेम नेम दे दिए हों तो कंपाइलर कैसे समझेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है तो मुझे आगे भी चेक करना पड़ेगा कि आर्गुमेंट है उस फंक्शन को कि नहीं तो देखा एक आर्गुमेंट है तो क्या इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट है हाँ है कैरेक्टर नेम एक आर्गुमेंट दिया हुआ है इसका मतलब आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग है हाँ क्या ये है वेब एक स्ट्रिंग है हाँ है स्ट्रिंग है तो मतलब यही फंक्शन कॉल हो रहा है चलो आओ देखें इसके अंदर क्या है इसके अंदर तो प्रिंट एफ लिखा है क्या लिखा है वेलकम टू परसेंटेज एस जिसमें नेम लिखा है नेम की वैल्यू क्या है नेम की वैल्यू तो यहाँ पे हैक द वेब लिखा है ओके okay, तो मुझे क्या प्रिंट करना है मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू हैक द वेब सो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड ठीक है सबको समझ में आ गया है मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं यहां पर जैसे मैंने जैसे एक इंटीजर डाल दिया इंटीजर uh, में डे डाल दिया ठीक है तो यहां पर मैं आज क्या है डे सेवन है राइट तो डे सेवन में और मैं लिखूंगी यहाँ पे वेलकम टू द वेब डे इंटीजर लिखा है राइट right? और यहाँ पे मैं सीधे डे लिख दूंगी राइट right? अब हमारे हिसाब से ये क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे हिसाब से ये प्रिंट होना चाहिए वेलकम टू द वेब डे सेवन तो चलो आओ देखें कि प्रिंट होता है ये कि नहीं वेलकम टू द वेब डे सेवन वेरी गुड तो ये होता है हमारा मल्टीपल पैरामीटर्स ठीक है ये होता है हमारा मल्टीपल पैरामीटर्स हमने जब हैक द वेब देखा था वो एक सिंगल पैरामीटर था अब एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है पासिंग एंड एरे एज अ फंक्शन पैरामीटर इसका मतलब क्या होता है कि हम एक एरे को एक पैरामीटर के तौर पे हम पास कर रहे हैं एक फंक्शन में तो चलो आओ देखें कि मैंने अभी मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी तो आओ चलो देखें कोड करके ठीक है तो मैंने एक एरे को डिफाइन कर दिया एरे को कैसे डिफाइन करते हैं एरे को ये एरे है मेरा नाम एरे का नाम ये है जिसमें मैंने फाइव स्टोर uh, कर दिया मतलब फाइव होंगे इसके अंदर जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इट इज वेरी इजी सबको समझ में आ गया है कि फाइव uh, लेंथ है उसकी टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ठीक है अब मैं यहाँ पे एरे को पार, पास करूंगी एस एन पैरामीटर इंड एरे मैं डिस्प्ले फंक्शन uh, मैं क्या कर रही हूं मैं फंक्शन का नेम अच्छे से दे देते हैं uh, यार कितने टाइप हो डिस्प्ले फंक्शन है यस, ठीक है, तो क्या करेगा ये डिस्प्ले करेगा फॉर, मेरा एंड आई जीरो से आई लेस देन फाइव ये हमने फॉर लूप uh, में हमने समझा था कि मैंने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया है तो फाइव पे एंड करूंगी मैं इक्वल टू फाइव नहीं करूंगी राइट आई होप किसी को इस चीज में तो डाउट ना हो और अगर है भी तो वो मेरी वो एफल्स वाली जो वीडियो है वो वीडियो देख सकता है ठीक है तो मैंने क्या लिखा है मैंने यहां पे तो चेंज ही नहीं किया भाई रन करने से पहले समझ लेते हैं कि क्या लिखा है हमने ठीक है तो हमने क्या लिखा है हमने मेन फंक्शन में जैसे कंपाइलर जाएगा हम भी वैसे ही जाएंगे ठीक है हमने मेन फंक्शन में एक एरे डिफाइन किया जिसकी लेंथ फाइव है और उसके अंदर कंटेंट है हमारा उसके अंदर हमने क्या डेटा uh, डाला है हमने डेटा डाला है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और फिर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है डिस्प्ले और उसके अंदर मेरा एक एरे आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है माई एरे ओके तो डिस्प्ले फंक्शन देखते हैं क्या है कहाँ है ये रहा हमारा डिस्प्ले फंक्शन जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर एक पैरामीटर है और वो पैरामीटर एक एरे है कैसे पता चला इन माई एरे और वो फाइव uh, है. है उस एरे की ठीक है फिर हमें ये क्योंकि एक ये डिस्प्ले फंक्शन है तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमने एरे को एरे वो एरे जिसे हमने मेन फंक्शन में डिफाइन किया है मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है उस एरे को हम हम डिस्प्ले डिस्प, आ, उस एरे का हम आ, डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन में कर रहे हैं ठीक है इंट आई जीरो से फाइव तक प्रिंट कर आई इंक्रीमेंट होगा और फिर प्रिंट करना है परसेंटेज दी माय एरे आई तक तो आई आई नो कि आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन हाँ कुछ लोगों को आई अंडरस्टैंड कि ये समझ में आ रहा होगा क्यों कैसे समझ में आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने मेरे डे से लेक्चर अच्छे से पूरे फोकस से देखे हैं तो ये चीज उनको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जैसे मेरा आई यहाँ पे जीरो होगा तो जो मेरे जीरो इंडेक्स पे मेरा डेटा है जैसे यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे टेन है तो मेरा टेन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फिर जैसे मेरा वन होगा इंक्रीमेंट होके आए वैसे ही मेरा ट्वेंटी फिर थर्टी फिर फोर्टी फिर फिफ्टी प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो चलो आओ देखें प्रिंट होता है कि नहीं प्रिंट हो गया है तो ये होता है पासिंग एन एरे एज अ फंक्शन पैरामीटर अब आता है रिटर्न वैल्यू रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं आओ चलो देखें हा यहां पे प्रिंट एफ this is littered shit yaar this is day percentage of c programming course ठीक है और यहाँ पे मैं डिस्प्ले फंक्शन ठीक है डिस्प्ले फंक्शन रखते हैं इसका नाम और यहाँ पे मैंने जैसे कि डाल ठीक ठीक है वो क्यों एरर दिखा रहा है क्योंकि आर्गुमेंट तो आर्गुमेंट तो मेरा वॉइड टाइप टाइप वॉइड टाइप है तो ये मेरा ऐसे इट इज इनकम्प्लीट राइट आर्गुमेंट टाइप क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर डाल दिया है इसलिए ये जैसे मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे चेंज तो करना ही पड़ेगा पे हम एक, क्योंकि हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम ए ले लेते हैं इंटीजर को ठीक है और क्योंकि मैंने कहा रिटर्न रिटर्न वाला हम देख रहे हैं कि रिटर्न कैसे करते हैं फंक्शंस में इट इज वेरी सिंपल अगर जिसको समझ में आ रही हैं चीजें अच्छे से जो मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है उस वो खुद से सॉल्व करके बिल्कुल बता सकता है कि मैं मैं कैसे करूंगी ठीक है थ्री प्लस मेरा एज आएगा ठीक है थ्री प्लस फोर क्या होता है सभी बता दें सबको पता है थ्री प्लस फोर मेरा सेवन होता है दिस इज डे सेवन ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स ये मेरा आउटपुट आया है तो क्या मुझे यही आउटपुट चाहिए था हाँ यही चाहिए था मुझे इधर सेवन ही चाहिए था तो अगर मैं अगर मैंक्स्ट लेक्चर की बात करती हूँ जो एट होगा तो मैंने यहाँ पे फाइव डाल दिया दिस इज डे एट ऑफ सी प्रोग्रामिंग दिस इज डे एट ऑफ सी प्रोग्रामिंग ठीक है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है उसको मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ अब हम जाएंगे कंपाइलर के हिसाब से वो कैसे करेगा ठीक है मेन फंक्शन, उसमें प्रिंट करना है ये, so, वो is display? Display is oh, तो इज तो यहाँ पे है ओके डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट का आर्गुमेंट एक इंटीजर है अच्छा ठीक है वो इंटीजर ए है ठीक है इस फंक्शन के अंदर क्या है इस फंक्शन के अंदर तो सिर्फ एक रिटर्न है रिटर्न क्या करना है हमें हमें थ्री प्लस ए को रिटर्न करना है ठीक है थ्री प्लस ए को रिटर्न करेंगे हम ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू चलो आओ देखें इंड ए ए की वैल्यू क्या है इंड ए की वैल्यू यहाँ पर तो फाइव है तो मतलब थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा रिटर्न एट मतलब इस डिस्प्ले फंक्शन से हमें क्या आंसर आ रहा है इस डिस्प्ले फंक्शन से हमें एट आंसर आ रहा है तो यहाँ पे हमारा एट आंस एट आ जाएगा और परसेंटेज डी में एट स्टोर हो जाएगा ठीक है और इसलिए हमारा यहाँ पे दिस इज डे एट ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स प्रिंट हो जाएगा आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है एक और क्वेश्चन एक और आर्गुमेंट जैसे मैंने सिंगल आर्गुमेंट दिया था अब मैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे रही हूं इन बी भी दे रही हूं ठीक है दिस इज एंड क्या बोलू मैं डे सेवेंथ और मेरा सेवन वीडियो है राइट ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स ठीक है मैंने रिटर्न ए कोमा बी कर दिया है यहाँ पे मैं सेवन कोमा सेवन कर देती हूँ It should प्रिंट ठीक है या फिर हम आ, ये आ, उसने यही प्रिंट किया है डे सेवन और सेवन थोड़ा सा हैंग हो गया है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ठीक है या फिर हम यहाँ पे प्लस करके सेवन को हटा के जीरो भी डाल देते हैं चलो ठीक है जीरो डाल है? और यहाँ पे क्योंकि मुझे दिस इज डे सेवन ही रखना है इसलिए मैंने यहाँ पे सेवन प्लस जीरो सेवन ही होगा राइट एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होगा ऐसे मन में हमेशा हमें यही फॉलो करना है कि हमें खुद समझ में आना चाहिए कि कैसे कंपाइलर कंपाइल compile करेगा मेन फंक्शन में जाएगा दिस दिस मतलब इस वीडियो ऑफ फंक्शन का आंसर सेवन आया है अच्छा इसका सेवन आंसर आया है, मतलब दिस इज डे सेवन ऑफ सी प्रोग्रामिंग राइट तो चलो आओ देखिए यही प्रिंट होना चाहिए दिस इज डे सेवन ऑफ सी प्रोग्रामिंग तो ये हो गया हमारा यूज़र फंक्शंस फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं कैसे कॉल करते हैं ये सब हमने देख लिया और हाँ एक चीज और कि हम हमारे पूरे कोड में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं एक से ज्यादा फ़ंक्शंस हो सकते हैं ठीक है और हमने फिर कैसे कॉल करते हैं पैरामीटर्स देख लिया अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकर्जन देखेंगे ठीक है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्लीज मिस मत कीजिएगा रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और फिर हम बट uh, मेरे ख्याल से हम उसके पहले कुछ क्वेश्चन भी करेंगे के ऊपर हाँ, यही है मेरा प्लान कि इसके बाद हम क्या करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस के ऊपर और फिर हम उसी लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में रिकर्जन uh, टॉपिक uh, को पढ़ेंगे और फिर हम उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो क्या होता है ना क्वेश्चन करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं ठीक है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर का या फिर इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं अगर उसमें भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज लिखिएगा और मैं रिप्लाई भी करूंगी और जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कोड सबमिट कर दीजिएगा अगर किसी को कोड सबमिट नहीं करना है तो वो मुझे आउटपुट भी शो कर सकता है आई मीन आउटपुट का इमेज या स्क्रीन भी डाल सकता है और uh, जो भी डाउट है अगर उसमें भी या फिर आपको कोई और लॉजिक लग रहा है कोई और थॉट uh, प्रोसेस th से आप सोच के कोई वो क्वेश्चन करने का सोच रहे हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो ठीक है और कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिएगा थैंक यू एवरी वन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन uh, करेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम रिक्वर्जन पढ़ेंगे ठीक है तब तक ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़िएगा अपना ख्याल रखिए थैंक यू एवरी